Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Today I will cover Maurice Dove approach to choice of technique. Copying the syllabus of MEC 004 Economics of Growth and Development. Okay, आज हम लोग पढ़ेंगे Maurice Dove approach to choice of technique. Already I have made video on traditional approach to choice of technique. Today I will deliver lecture on Maurice Dove choice of technique. ठीक है, ये सेकेंड है और थर्ड वन है एक के सेन का नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा. तो ये choice of technique के बारे में इनका क्या ओपिनियन है, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे. तो Maurice Dove believe choice of technique should be chosen by its effect on the rate of growth. मतलब इनके अनुसार कहने का मतलब है कि किसी प्रकार की डेवलपिंग कंट्री में अगर हम चॉइस ऑफ टेक्निक को चुनते हैं तो किस आधार पर चुनना चाहिए, उसका रेट ऑफ ग्रोथ के आधार पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है. ठीक है, और ही इज अ सपोर्टर ऑफ एमआरक्यू इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन. ही इज अ सपोर्टर ऑफ MRQ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन इन द डेवलपिंग कंट्री. MRQ स्टैंड फॉर मार्जिनल री इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन. आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन MRQ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन. ओके, तो वो सपोर्टर थे MRQ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन का. एंड अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू रियल कंस्ट्रेंट इन द डेवलपिंग कंट्री विच आर एज कंस्ट्रेंट. उनके अनुसार डेवलपिंग कंट्री में दो कंस्ट्रेंट होता है जो ग्रोथ रेट को बढ़ने नहीं देता, रिटार करता है. ठीक है, उस पर फर्स्ट है कंस्ट्रेंट सरप्लस ऑफ वेस्ट गुड which become available to meet consumption requirement of worker in investment good industries. I mean to say that whatever produced in investment goods industries is consumed. जो भी उत्पादन होता है वो developing country. I am confining myself on डेवलपिंग कंट्री. डेवलपिंग कंट्री में जो भी उत्पादन होता है इन्वेस्टमेंट गुड इंडस्ट्रीज में उसका कंज्यूम कर लिया जाता है, वो बन जाता है अवेलेबल, जो वर्कर उसमें काम कर रहे हैं वो कंज्यूम कर लेता है. यही यहाँ पर सेलिंग लिटिल बिट होता है. दूसरा है प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल इन इन्वेस्टमेंट गुड्स इंडस्ट्रीज इज लिमिटेड. और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो अवेलेबल होता है डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट गुड्स इंडस्ट्रीज का वो लिमिटेड होती है, उसकी कैपेसिटी कम होती है. प्रोडक्शन कैपेसिटी मीन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स. ओके, तो ये दो बेसिक कंस्ट्रेंट जो रिटार्ड करता है डेवलपमेंट एक्सीलरेट करने में ग्रोथ रेट को. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम उनके अनुसार both the these two real constraint prevailing in developing countries. Okay, due to these two real constraint prevailing in developing country, a labor intensive production technique is not suitable because low labor productivity of such technique aggravate these two constraint. तो कहने का मतलब है कि इन दो constraint जो बाधक कर सकते हो विकासशील देशों और डेवलपिंग कंट्री में होने के कारण जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक है वो उपयुक्त नहीं है, नॉट सुटेबल है, क्योंकि इस टेक्निक में लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है, इवन जीरो भी होता है, समटाइम निगेटिव भी चला जाता है, जिसके कारण ये दोनों प्रॉब्लम नो सेविंग हो पाएगा और दूसरा कैपेसिटी भी नहीं बढ़ पाएगा.
ठीक है, जिसके कारण नॉट सुटेबल है. तो ही सजेस्टेड फॉर डेवलपिंग कंट्री अडॉप्ट कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक फॉर बेटर ग्रोथ फॉर ओवर टू ओवरकम टू दीज टू रियल कंस्ट्रेंट प्रिवेलिंग इन द डेवलपिंग कंट्री. इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक को अपनाओ और ये दोनों समस्या को समाधान कर सकते हो, जो कैपेसिटी कम होता और सेविंग नहीं होता. प्रोडक्शन कैपेसिटी दूसरा हमारा कंस्ट्रेंट है, प्रोडक्शन लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड फर्स्ट वन इज नो सेविंग. ठीक है, लेकिन हाउएवर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक शुड नॉट बी चोजन इनडेफिनेटली. मतलब इसको इनडेफिनेटली रूप से हम कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक को माने लगातार हम चूज चयन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक शुड बी चोजन टू अप टू अ पॉइंट वेयर द एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट मस्ट बी इक्वल टू एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम दीज मशीन. मतलब उस पॉइंट तक के अप टू उस पॉइंट तक हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को चुन सकते हैं जहां पर हमको इस जो कॉस्ट हमने कैपिटल पर लगाया मशीन पर और उसका बेनिफिट एक दूसरे के बराबर हो. ठीक है, अब नेक्स्ट जो ये दिया गया लेकिन इसका भी लिमिटेशन है. लिमिटेशन फर्स्ट है कि जो आज तक जो एम्प्रिकल इविडेंस डज नॉट एम्प्रिकल evidence does not support fully Morris Dobb thesis capital intensive production technique should help in creation of more absolute employment in the long run. लेकिन अब तक का जो भी इस पे रिसर्च किया गया है ये कभी सपोर्ट नहीं किया है कि लॉन्ग रन में कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक ज्यादा मात्रा में एब्सोल्यूट इंप्लॉयमेंट क्रिएशन करेगा. तो ये था मॉरिस डॉब approach to choice of technique. I hope everybody got it. Thanks for watching my video till end. Ciao.